बिग स्क्रीन में आपका स्वागत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के पति की गिरफ्तारी के बाद से ही कुछ मॉडल्स लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। इनमें से हर कोई इस केस के बारे में अपना ओपिनियन दे चुकी हैं, लेकिन राज कुंद्रा के सिर पर अभी भी तलवार लटकती नजर आ रही है। मालूम हो कि राज कुंद्रा पर पोर्न फिल्में बनाने और एक एप्लीकेशन के जरिए उनका कारोबार करने का आरोप लगा है। राज के बारे में किस मॉडल का क्या ओपिनियन है, आइए जानते हैं। बीते दिनों पूनम पांडे का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने कई खुलासे किए। पूनम पांडे ने ये भी बताया था कि उनकी एप्लीकेशन की देखरेख राज कुंद्रा की ही कंपनी करती है। इसके अलावा पूनम पांडे ने बताया कि उन्हें धमकाकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया था जिसके मुताबिक उन्हें शूट करना है, पोस्ट करना है और उनकी मर्जी के अनुसार एक निश्चित तरीके से दिखना है। ऐसा नहीं करने पर वो उनकी निजी चीजें लीक कर देंगे। ओटीटी पर उपलब्ध बेहद बोल्ड वेब सीरीज गंदी बात की लीड एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ ने इस केस की शुरुआत से ही राज कुंद्रा के सपोर्ट में नजर आईं। उन्होंने राज कुंद्रा का सपोर्ट करते हुए कहा कि जिन वीडियोस की बात हो रही है वो बेहद बोल्ड कंटेंट की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उन फिल्मों को पोर्नोग्राफी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। बता दें कि गहना इस केस में 5 महीने जेल में बिता चुकी है। प्लेबॉय मैगजीन की कवर गर्ल रह चुकी शर्लिन चोपड़ा ने भी हाल ही में एक वीडियो जारी करके इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस वीडियो में शर्लिन चोपड़ा ने कहा कि उन्होंने ही महाराष्ट्र की साइबर सेल को अपना बयान दिया था। शर्लिन ने इस वीडियो में पूनम पांडे पर तंज कसते हुए कहा कि वह इस मामले के खुलने के बाद कहीं भाग नहीं सकती। सागरिका का नाम तक सुर्खियों में आया था जब उन्होंने राज कुंद्रा पर न्यूड ऑडिशन मांगने का आरोप लगाया था। सागरिका ने एक वीडियो में कहा कि एक वेब सीरीज के लिए उन्हें वीडियो कॉल के जरिए ऑडिशन देने के लिए कहा गया था। सागरिका ने बताया कि इन 3 लोगों ने उनसे न्यूड ऑडिशन की मांग की थी, उनमें से एक राज कुंद्रा भी थे। अन्य तमाम मॉडल्स की तरह ही पुनीत कौर ने भी खुलासा किया है कि राज कुंद्रा ने मोबाइल ऐप हॉट शॉट्स में काम करने के लिए उनसे संपर्क किया था। तो गाइस, क्या कहना है आपको राज कुंद्रा के लिए, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए बिग स्क्रीन।